सपने, सपने तो हर कोई देखता है, पर उन सपनों को पूरा करने की हिम्मत किसी किसी में होती है। ये कहानी हमारे यूथ की, उनके सपनों की, उनके सपनों की भूख की, उनके सपनों की उड़ान की। और इस कहानी में ये चार दोस्त ऐसे हैं जो अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकलते हैं। और आइए अब बताते हैं इन चार दोस्तों की कहानी। आकाश तो बचपन से ही पागल था। मैं तो बचपन से ही पागल हूँ, तुम ही मेरा पागलपन हो, तुम ही मेरा चैन हो। I love you, किरण। बॉलीवुड की पिक्चरें देख देख कर उसको एक्टिंग का भूत सवार हो और वो चाहता था कि वो बड़ा होकर इनके जैसा एक फेमस एक्टर बने। और दूसरी तरफ अमित, अमित बचपन में सपना देखता था कि वो बड़ा होकर बहुत ही अच्छा और बहुत ही फेमस डांसर बने। और ये सपना टीवी में डांस देखते देखते शुरू हुआ और वो बड़ा होकर इस सपने को हकीकत में बदलना चाहता था। और तीसरा अनमोल, अनमोल को बचपन में सिंगिंग का बहुत शौक था। और उसकी आवाज़ में एक ऐसी कशिश थी, वो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता। उसको बचपन में सिंगिंग में बहुत ज़्यादा प्राइजेस मिले। अब वो इसी शौक को अपना करियर बनाना चाहता था। और चौथा और आखिरी गुरी, गुरी इन सब से अलग। गुरी बचपन से ही अपनी शायराना अंदाज से जाना जाता था। कौन कहते हैं दिल में हम शक्ल करते, कौन कहते हैं दिल में हम शक्ल करते, उसकी शायरी लोगों के दिलों में घर बना लेती थी। और वो चाहता था कि वो बहुत ही फेमस राइटर बने। आज ये सब एक साथ बैठे हैं उसी जगह जहाँ ये हमेशा मिलते हैं, कैफेटेरिया। ये जगह इन चारों की बहुत ही फेवरेट जगह है और ये सब यहाँ बैठ के अपने सपनों के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे शांत बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें अपना सपना पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्यों अमित, तू इतना अच्छा डांसर है, तूने इतने ऑडिशंस दिए, तुझे क्या मिला? क्यों अनमोल, तू भी इतना अच्छा सिंगर है, तूने भी इतने ऑडिशन दिए, हर जगह धक्के खाता रहा, तुझे क्या मिला? और गुरी तू, तू राइटर बनना चाहता था ना, तेरे जैसे 36 फिर रहे हैं, तुझे क्या लगता है तू राइटर बन जाएगा? तीनों मुझे ही देख लो, क्या कर रहा हूँ मैं, इतने ऑडिशन दिए, मुझे क्या मिला? हर जगह धक्के खाता रहा, कभी इस डायरेक्टर के पास, कभी उस डायरेक्टर के पास। बैठ जा भाई, शांत होके। हाँ यार, तुम लोग सही कह रहे हो, कुछ तो करना होगा, ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। तुम सब सही कह रहे हो यार, मैं भी थक चुका हूँ घर वाले के रोज़ के ताने सुनकर। अरे मैं करूँ तो करूँ क्या यार? हाँ यार, तुम कह तो ठीक रहे हो, पर हम करेंगे क्या?
Hello everyone. Express Yourself, a talent hunt show. Show is organized guys, by KAS Production. वो देखो. इस शो की ऑडिशंस, गाइस आपकी सिटी में बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं. फर्स्ट ऑडिशन हो रहा है दिल्ली में. तो दिल्ली वालों सब रेडी हो जाओ. हम आ रहे हैं आपकी सिटी में ऑडिशन लेने के लिए. बी देयर. लगता है अब तो भगवान भी हमारे साथ है. गाइस देरी किस बात की, करें तैयारी चलने की. अरे ऐसे क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं यार. बता तो सही. हमें नहीं बताएगा तो किसे बताएगा? गाइस वो सब ठीक है, टैलेंट शो है, पर गाइस एक काम करना बाकी है. काम? कैसा काम? पेरेंट्स से परमिशन भी तो लेनी है. हाँ यार आकाश तू बात तो सही कह रहा है. तुझे तो पता ही है यार मेरी मदर कितनी स्ट्रिक्ट है. मुझे नहीं लगता वो मुझे जाने के लिए अलाउ करेंगे भी या नहीं. पेरेंट्स तो मेरे भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं यार. मेरे भी यार. गाइस सब अपने अपने घर चलते हैं और हाँ किसी ना किसी बहाने से बात करते हैं. यार वो देखो दिल्ली में ऑडिशंस कल है. गाइस अगर आज हमें पेरेंट्स से परमिशन मिले या ना मिले तो भी हमने आज रात दिल्ली के लिए निकलना ही निकलना है. और हाँ एक बात ध्यान दें, कोई भी आज रात लेट नहीं होना चाहिए. अरे मान जाएंगे यार. कोई बात नहीं मान जाएंगे यार. कोई बात नहीं यार, टेंशन क्यों ले रहे तू? अरे चिल कर यार. रजो माल आ गया? हाँ जी सर आ गया. उसको रखवा दिया अंदर फिर? हाँ जी हाँ जी. चल ठीक है वो गोदाम में रखवा दे. ओके सर ओके. भैया दिल्ली में एक टैलेंट हंट शो हो रहा है, क्या मैं जा सकता हूँ? देख तुझे तो पता ही है घर का, घर की सिचुएशन कैसी है. प्लीज़ भैया पापा से बात करो, मुझे वहाँ जाना है. मैं कुछ करना चाहता हूँ, अपने आप को साबित करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ. प्लीज़ भैया आप पापा से एक बार पूछो ना कि मुझे जाने दे वहाँ. चल तू टेंशन मत ले, मैं बात करता हूँ पापा से. ओके भैया. अजय ने तो अपने भाई को बोल दिया कि वो पैसों का इंतज़ाम कर लेगा. अब आगे देखते हैं आकाश अपने भाई से कैसे बात करता है. भैया. हाँ बोल. भैया मुझे दिल्ली जाना है, वहाँ पर एक टैलेंट हंट शो है, क्या मैं जा सकता हूँ? चुपचाप घर में बैठ जा और अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर. प्लीज़ भैया मेरे को जाना है, मेरे को एक्टर बनना है. स्टडी में फोकस कर ले अपना. भैया आपको एक्टर बनना है, सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है. मदर पट. प्लीज़ भैया पार्टिसिपेट करने दो. मना कर दिया, कहीं नहीं जाना तूने, चल कर बैठ. प्लीज़ भैया बाहर जा. मुझसे इस बात पे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अब चल. बोला ना चल. निकल चल. हाय बढ़िया. पीयूष को उसके भाई ने घर से चांटे मार के निकाल दिया. अब देखते हैं गुरी अपने घर में कैसे बात करता है. बेटा माँ एक बात करनी थी. बोलो. माँ दिल्ली में एक टैलेंट हंट शो है, मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, मुझे दिल्ली जाना है, क्या मैं जा सकता हूँ? बेटा तुम्हें पापा से ही बात करनी पड़ेगी. यार पापा आएंगे? चलो मैं तुम्हें बात करके देखते हैं.
कहाँ जाना तुम्हें? पापा दिल्ली। पापा दिल्ली में एक टैलेंट शो है, मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, मुझे दिल्ली जाना है, क्या मैं जा सकता हूँ पापा? ये राइटर वाइटर बनने का सपना छोड़ दो। पर पापा, पर कुछ नहीं, एमबीए की तैयारी करो। पर पापा बात तो सुनो प्लीज पापा। एक बार तुम्हें बोला ना, सुना नहीं देता। पर पापा मुझे बस एक मौका चाहिए खुद को प्रूव करने का, मैं खुद प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत कामयाब राइटर बनूंगा, और अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा पापा, प्लीज पापा मुझे बस एक मौका दे दो। हाँ तुम्हें मौका दिया, तुम जा सकते हो। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच पापा। बुरी तो बहुत खुश है, उसको तो अपने घर से परमिशन मिल गई। अब देखते हैं अमित जैकी को कहाँ ढूंढता है। हाँ जी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। जैकी है घर पे? नहीं भैया, जैकी तो घर पे नहीं है, कुछ काम था। हाँ जी काम तो था, पर बता दोगे लेकिन कहाँ पर मिलेगी? भैया मुझे पता नहीं जैकी कहाँ पे है, कुछ काम था आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें बता दूँ। मुझे उनसे बहुत ज़्यादा जरूरी काम। नहीं भैया मुझे पता नहीं कहाँ पे है। प्लीज़ भाई बता दो, मुझे उनसे मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं भैया मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है, मैं कैसे बताऊँ आपको? प्लीज़ भाई बता दो मुझे, प्लीज़। भैया वो जहाँ होता है वहीं होगा, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, प्लीज़ आप उससे बात करिए। अब जैकी तो इसको यहाँ भी नहीं मिला, अब देखते हैं ये जैकी को कहाँ ढूंढ पाएगा। जाऊँ कि ना जाऊँ? नहीं नहीं मैंने नहीं जाना, चले जाता हूँ, टाइम भी काफ़ी हो रहा है, चलो यार देखी जाएगी। बताओ मॉम, वो मैंने आपसे एक बात करनी थी। अब बताओ क्या बात है? मॉम वो दिल्ली में एक टैलेंट शो हो रहा है, मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? और कोई काम नहीं है तुम्हें? कभी पढ़ने का भी बोला करो, कभी इधर शो है कभी उधर शो है, तंग आ चुकी हूँ मैं तुम्हारे शो से। प्लीज एक चांस। क्या मतलब एक चांस? स्कूल में देखा है अपनी अटेंडेंस कितनी कम हो रही है? क्या बोलूं तुम्हारे पापा को, डेली फोन करते हैं पूछते रहते हैं मेरा बेटा क्या कर रहा है, क्या बोलूं? मॉम प्लीज एक चांस प्लीज। दिमाग मत खराब करो मेरा, दफा हो जाओ यहाँ से। मॉम प्लीज एक चांस, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। जाते हो या नहीं? मॉम प्लीज एक चांस, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। हाँ बोल भाई, मुझे ना पैसों की बहुत ज़्यादा जरूरत है। क्या जरूरत है बड़ी पैसे की? बहुत सख्त जरूरत है भाई, तो पैसे मिल जाएंगे? वैसे तो अपन दिलवाता नहीं, पर चल तेरे लिए कर देता हूँ।
हेलो गोल्डन भाई, जैकी भाई, अपने एक वेंडर को ना पैसे चाहिए। कितना चाहिए भाई? 10,000 चाहिए भाई। 10,000 चाहिए? अरे भाई अभी चाहिए, इसको ना अर्जेंट है। भेजो भेजो इसको भेजो, मैं अभी अड्डे पे बैठा हूँ। हाँ भेजो भेजो। वो बंदा पैसे लेके आ रहा है वापस। तूने क्या बोला था? वो पैसे ब्याज समेत वापस लेगा, तो पक्का दे सकता है? हाँ जी, हाँ जी भाई पक्का दे दूँगा। तो पक्का दे सकता है पैसे वापस? चल ठीक है, वो बंदा पैसे लेके आ रहा है। पैसे मैं दे रहा हूँ तुझे, भाई को पैसे ना व्याज में चाहिए, वरना तेरे को पता ना वो तेरी क्या हालत करेंगे। ये पकड़ पैसे और चल निकल। पैसे तो इसको मिल गए, पर इसको ये नहीं पता ये कितनी बड़ी मुसीबत में आने वाला है। और दूसरी तरफ इसके सारे दोस्त अमित का इंतजार कर रहे हैं। यार इतनी लेट कहाँ रह गया यार अमित? कहाँ रह गया यार? यार मुझे नहीं लगता वो आएगा। यार मैं तो कहता हूँ हम चलते हैं। नहीं यार, अगर हम जाएंगे तो चारों साथ में जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। भाई सॉरी सॉरी, मुझे ना वो काम पड़ गया। ओए कहाँ रह गया था तू? अरे कहाँ रह गया था यार? तुझे पता नहीं कितनी देर से वेट कर रहे हैं हम? लेट हो गए, पागल है हम। 1 घंटा हो गया हम यहाँ पर खड़े हैं। तूने तो पागल समझ के रखा हमें। अरे अरे यार बात सुनो यार, बहस करने से कुछ नहीं होने वाला, हमें अब निकलना चाहिए। चलो चलो लेट्स गो। इटली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत प्यार, बस है मसालों की दिल्ली, दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली। अब ये सब फाइनली दिल्ली शो में पहुंच चुके हैं, अब देखते हैं इनके साथ आगे क्या है। हेलो, व्हाट इज योर नेम? सर अनमोल सिंह। सो क्या परफॉर्म कर रहे हो आज? सर माय फेवरेट सॉन्ग है सैड सॉन्ग पंजाबी। ओके लेट्स स्टार्ट। छड़ दे गिले मुका ले दूरियां, न तेरे बिना होर कोई, क्यों शक बैठा पाली पाली, जीवा मैं बस तेरे करके। ओह जस्ट स्टॉप, यू डोंट नो हाउ टू सिंग? गाना नहीं आता तुझे? पता नहीं कहां गली मोहल्लों से उठकर आ जाते हो तुम लोग, फिर सिंगिंग ये वो। सॉरी सर, जस्ट गो फ्रॉम हियर प्लीज सर, प्लीज वन चांस। ओह नो नो, ओह प्लीज गो, सुन नहीं रहा तुझे, निकल यहां से, बहुत हो गया। जस्ट हेलो सर। हेलो, क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज गुरी एंड आई एम फ्रॉम लुधियाना। ओके क्या करने वाले? सर मैं आपको शायरी सुनाऊंगा। ओ वाओ, पंजाबी बंदा शायरी सुनाएगा, क्या बात है, सुनाइए। खून ना हुआ पर जख्म बन गया, महसूस ना हुआ क्या था आगे यार, क्या हुआ? हाँ जी सर। पानी पियोगे? नो सर, सर एक बार सर ट्राई करता हूँ फिर से। चलो एक बार फिर से ट्राई करो। चलो
खून न हुआ पर जख्म बन गए, महसूस न हुआ पर दर्द दिख गए। अब क्या हुआ सर? एक मौका दो लास्ट बार। चलो ठीक है, बोल बोल। खून ना हुआ पर जख्म बन गए, महसूस ना हुआ पर दर्द दिख गए। अब कोई भी नहीं रहा इस जहां में, जो अपने थे वो भी पराए हो गए। ये क्या है, तू किसी और को कॉपी किया शेर सुना रहे हो? नहीं सर, मैंने खुद लिखी है सर। तुम लुधियाना वालों की यही आदत है, किसी और का कॉपी किया चीज सुनाते हो। गेट आउट सर, गेट आउट हो जाओ यहाँ से, तुम यहाँ से चले जाओ सर। बात तो सुन लो, दफा हो जाओ यहाँ से सर। बात गेट तो आउट सुन लो सर प्लीज। यार ये क्या, आप तो गिर गए। वो सर ना अचानक पैर फिसल गया सर। अच्छा, ये आपका खुद का स्टाइल है? ये कैसे पैर फिसल रहा है आपके स्टेज पे आके, और कैसे कहां पे हो आप? सर प्लीज एक चांस दे दो सर प्लीज। एक चांस, चांस लेने वाले बहुत खड़े हैं बाहर, बहुत खड़े हैं बाहर चांस लेने वाले। क्यों आए हो आप यहाँ पे, क्यों वेस्ट कर रहे हो टाइम हमारा? प्लीज सर घर से बहुत ज्यादा उम्मीदें लेके आया। प्लीज गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। प्लीज सर गेट लॉस्ट। हेलो सर, आई एम अ कास्टोडी एंड आई एम 20 इयर्स ओल्ड। सुन नहीं रहा, लाउड। हेलो सर, I am Akash Chaudhary and I am 20 years old and my hobbies are acting, modeling, dancing and sport and my... सुन रहे किसी को? Loud. Hello sir, I am Akash Chaudhary and I am 20 years old and my hobbies are acting, modeling, dancing and sport. वो बताओ जो इसमें नहीं लिखा, ये सब पढ़ चुका हूँ मैं। सर ये सर। ये बता के आज क्या करके दिखाओगे? एक्ट करोगे? तुम्हें मैं एक टॉपिक देता हूँ जिस पे एक्टिंग करनी है। सपोज यहाँ पे एक गर्ल है जिसको तुमने प्रपोज करना है, और ऐसा प्रपोज करना है कि उसको शादी के लिए मनाना है, वो ना ना कर पाए, ठीक है? गो। तुम्हें तो पता ही है, तुमसे मिलने की खातिर। What the hell? सॉरी सर। उधर बैठा हूँ कि इधर बैठा हूँ मैं? तुम्हें तो पता ही है, तुमसे मिलने के खातिर तुमसे इतने टाइम से मिलना चाहता हूँ। मजाक हो रहा है यहाँ पे, कोई मजाक हो रहा है ये? सॉरी सर, सर एक मौका, तुम्हें तो पता ही है तुम्हें कितने टाइम से चाहता हूँ मैं, पर कभी कह नहीं पाया। मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ। सर पर डायलॉग पूरा नहीं हुआ। मैंने देखने ना पूरा हुआ कि नहीं हुआ। जाओ सर एक बार प्लीज सर, डायलॉग पूरा नहीं हुआ अभी। जाओ, बोल दिया ना, जाओ सर प्लीज, सर प्लीज। डिस्क्वालीफाई करूं, फाड़ूं? जाओ सर प्लीज सर। अरे
लेंगे जाओ यार इसको। चारों को तो ऑडिशन से निकाल दिया गया। ये कितनी उम्मीदें लेकर आए थे दिल्ली में कि अपना यहाँ पर आके अपना सपना पूरा करेंगे, पर ऐसा ना हुआ। क्या बोलूं यार, गाना शुरू भी नहीं हुआ था और निकाल दिया। छोड़े यार, उन्होंने शायरी सुनी ही नहीं मेरे से, ऐसे निकाल दिया बार। तुम तीनों को देख के भी ऐसे लग रहा है जो मेरे साथ हुआ वही तुम्हारे साथ हुआ। सही कह रहा है यार। अरे कैसे जज यार, जजमेंट आती नहीं, ऐसे जजिंग करते। मेरे डायलॉग पूरे होने नहीं दिया, ऐसे निकाल दिया यार। पहले डायलॉग तो पूरे होने देते। क्या सोचकर आए थे यहाँ पे? यहाँ पर टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है यार। हम लोगों के ना यहाँ पर कोई औकात नहीं है। मैं तो घर जा रहा हूँ यार, मैं तो नहीं दे रहा ऑडिशन कोई भी। अरे ऐसे कैसे घर जाओगे यार तुम लोग? क्या बनने आए थे यहाँ पे और घर चले जाओगे? अरे क्या तूने डांसर बनना है? बन जाएगा डांसर ऐसे? अरे ऐसे ना 36 शोज मिल जाएंगे तुझे। ऐसे ही मत बता रहे मेरे भाई, कुछ ना कुछ तो करेंगे यार। क्या करेंगे हम, हमारी औकात है यहाँ पर कोई? हमारे टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है यहाँ पर। ना ही हमारे पास पैसा है, ना ही हमारे पास रहने के लिए जगह, तो कहाँ जाएंगे हम? कहीं भी रहेंगे, कुछ भी करेंगे, पर यहाँ से अपना सपना पूरे किए बिना नहीं। अरे कहाँ रहेंगे हम, हमारे पास ना पैसा। देख यार मुझे नहीं, कहाँ रहेंगे हम, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? देख यार मुझे नहीं पता, पर यहाँ से अपना सपना पूरे किए बिना नहीं जाएंगे। कोई फायदा नहीं यार बहस करने का, पहले यहाँ से चलते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है, आगे की बात में सोचते हैं। चलो यार चलो। अच्छे ये चारों यहाँ से निकल चुके, अब ये दिल्ली में अपने रहने के लिए घर और काम ढूंढ रहे हैं। अब देखते हैं इनको दिल्ली में काम मिलता है या नहीं मिलता। Thank you.
हेलो हेलो मीनाक्षी, मेरी मॉम का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ तुम कुछ कर सकती हो? ओ अच्छा, अगर तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में है तो मैं क्या करूँ? प्लीज़ कुछ कर दो, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। ओ पैसे चाहिए, बट सॉरी पैसे तो तुम्हें नहीं मिलेंगे। मैं किससे लूँगा? तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। वो तुम्हारी मॉम है, तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में है, वो मरे चाहे जिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डैम यार, धीरे धीरे इन सबको पता लगने लग गया कि आर्टिस बनना कितना मुश्किल काम है। इन सब के लिए ये तो एक खेल था पहले, पर अभी इनको पता चला कि एक फेम पाना कितना मुश्किल काम है। इनको ये नहीं पता था कि इनके साथ आगे क्या होना, कि किस्मत ने इनके लिए आगे क्या लिखा हुआ था। अमित। अमित मेरी बात सुन, मेरे पास ना एक शो की इंफॉर्मेशन आई है, मैं चाहता हूँ कि तू उसमें पार्टिसिपेट करे। थैंक यू सर, ये गुड न्यूज मैं अपने सभी फ्रेंड्स को दे दूंगा। थैंक यू सर। गुरी। हाँ भाई। आकाश कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आकाश तो यार बाजार गया हो सामान लेने। और अनमोल तो यहीं पर है। ए अनमोल। हाँ भाई क्या हुआ? गाइस हमारे पास बहुत अच्छा मौका है यार, वो सर आए थे, बोल रहे थे दिल्ली में एक ऑडिशन हो रहा है, हमें वहाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए यार। ओ थैंक यू यार। दिल्ली में हो रहा है यार। दिल्ली में? हाँ यार, इस बार हम ना अपना चांस मिस नहीं करेंगे, इस बार ना पूरी तैयारी करके जाएंगे। हम कुछ बनने आए थे ना और बन के जाएंगे। चलो फिर करते हैं तैयारी, चलने की। मौका तो इनको अब मिल गया, अब देखते हैं ये सही है या गलत, देखते हैं इनके साथ आगे क्या होता है। सर जैसा आपने बोला था वैसी इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने उनको। शक तो नहीं हुआ उनको? नहीं सर, कोई शक नहीं हुआ। कहानी में ट्विस्ट तो थोड़ा सा भी बाकी था। आजकल दुनिया धोखे बाजों की राजों की बात है, के आजकल आंखों में जो खून है सुकून है, सब जगह सुकून है, इंसान भीतर मर रहा ये दुनिया शमशान है, शमशान के बीच में एक जिंदा लाश है, खास मेरे गुण जब से मेरा शैतान है। पहले पहले ठीक था, मैं वीक था, कमजोर था, लोगों के ताने बजते कानों में जो शोर था, देखो आजकल खुश सभी मेरे काम से, जैसे दुनिया जीती जाती जीती मैंने नाम से, आराम से चल रहा पकड़ूंगा तेजी, मैं भी हूँ किंग जैसे सैरन में जेजी। जपता सैड मंत्र, जपता सैड मंत्र, हाँ रक्त निकले झरने जैसे, देखो मेरे अंदर हो जा।